तो चलिए आज हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और हम पहले मोमेंटम का मतलब देखेंगे और उसके बाद में हम मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूले से हम मोमेंटम को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मोमेंटम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ मोशन कितनी है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कम है या फिर ज्यादा है। एक बार फिर से सुनिए, मोमेंटम आप किसी चीज का अगर निकाल रहे हैं तो उस मोमेंटम से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोमेंटम हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितनी है, यानी कि मोशन की मात्रा कितनी है। अगर उसके अंदर मोशन की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम ज्यादा है, और अगर उसके अंदर मोशन की मात्रा कम है, यानी कि उसके अंदर कम मोशन है, तो हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम भी कम है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि मोमेंटम अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आप समझते हैं कि अगर मोमेंटम कम हुआ तो अमाउंट ऑफ मोशन भी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट में कम होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई ये पूछे कि फला ऑब्जेक्ट की मोशन कम है या फिर ज्यादा है, तो आप सिंपली क्या निकाल लें, उसका मोमेंटम निकाल लें। अगर उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन भी बहुत ज्यादा है, और अगर उसका मोमेंटम कम है तो इसका मतलब उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम इंटू वी। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट के मास को उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी आप अपने लेवल तक यहां बोल सकते हैं। तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, या सिंबॉलिकली आप लिखना चाहें तो पी इज इक्वल टू एमवी। और इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों? मास होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड में। तो क्योंकि मोमेंटम इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इन्हीं दोनों की यूनिट्स भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे मोमेंटम की क्या बन जाएगी, आपके पास एसआई यूनिट आ जाएगी। तो अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कई लोग ये सोचेंगे कि अगर हमने सिर्फ इसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है, तो क्यों ना हम उसकी वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कम हुई या स्पीड कम हुई तो हम बोल देंगे कि उसके अंदर मोशन कम है, और अगर वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हुई तो हम बोल देंगे कि उसके अंदर मोशन कैसी है, ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अकेला जो आप वेलोसिटी या फिर स्पीड का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं वो आपको क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन दैट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकता। यानी मेरा मतलब कहने का यह है कि अकेली वेलोसिटी या स्पीड से आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मोशन है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि मास और जो वेलोसिटी है उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितनी है। एक बार फिर से सुने,
कई बच्चे ये सोच सकते हैं या कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ मोशन की अमाउंट यानी कि मोशन की मात्रा के बारे में ही पता करना है कि कितनी मोशन कम है या कितनी मोशन ज्यादा है, तो वो तो स्पीड या वेलोसिटी से पता चल जाएगा। क्यों? वेलोसिटी कम तो आप कह दोगे कि स्पीड कम है तो इसलिए उसके अंदर मोशन कम है, या फिर अगर वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हुई तो आप बोल दोगे कि मोशन ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाले एग्जांपल्स से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों अकेली वेलोसिटी या स्पीड मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, और क्यों मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होना जरूरी है ताकि आपको अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन एनी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहां आप देखिए, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक रास्ता है, रास्ता नंबर वन, जिस पर मैं बाइसिकल चलवाऊंगा, और एक है रास्ता नंबर टू, जिस पर सपोज कीजिए हम एक ट्रक चलवाएंगे। आपको इस एग्जांपल से काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट जरूरी है मोमेंटम यानी के अमाउंट ऑफ मोशन का पता करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये रास्ता नंबर वन है, इस पर जो बाइसिकल चलनी है, साइकिल बोल लीजिए आप इसको, उसका मास मान लीजिए 50 किलो है, और जो रास्ता नंबर टू है उस पर जो ट्रक चलना है मान लीजिए उसका मास है 5000 किलो। तो नेचुरली आप देख सकते हैं बाइसिकल का मास बहुत ही कम है और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों का मास मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने कहा कि बाइसिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक की भी वेलोसिटी मैंने कितनी रखी है आप देखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात पहले उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि सिर्फ वेलोसिटी से ही मोशन का अंदाजा आ जाता है, देखिए वो क्या सोचेंगे कि बाइसिकल की वेलोसिटी भी उतनी ही है, ट्रक की वेलोसिटी भी उतनी ही है। तो अगर वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम देखें तो इसका तो मतलब ये होना चाहिए कि दोनों के अंदर जो मोशन की अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखें कि वेलोसिटी दोनों की कैसी है, सेम है। तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों से ये है, आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कि अगर इसी स्पीड से बाइसिकल चली आ रही है रोड के ऊपर और इसी स्पीड से ट्रक भी चला आ रहा है रोड के ऊपर, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसको रोकना आसान रहेगा। तो नेचुरली लोग बोलेंगे कि बाइसिकल को रोकना आसान होगा जबकि ट्रक को रोक पाना मुश्किल होगा। और अगर उनसे रीजन पूछा जाए तो वो क्या बोलेंगे कि ट्रक भारी होता है। तो यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोशन की मात्रा किसी चीज में कितनी है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए मास भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखो थोड़ा सा आप इस चीज को इस तरह समझिए, मान लीजिए एक आदमी पैदल चल रहा है। आप जानते हैं कि अगर एक आदमी पैदल चले और 1 घंटे तक पैदल चले तो तकरीबन अगर वो नॉर्मल स्पीड से भी चलेगा बिल्कुल, तो मान के चल लीजिए कि 4 से 5 किलोमीटर का सफर वो 1 घंटे के अंदर क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि एक आदमी पैदल चलते हुए 1 घंटे में सपोज कीजिए 4 किलोमीटर का सफर ट्रेवल कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस आदमी की वेलोसिटी या स्पीड कितनी कहलाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया है, ट्रेवल कर लिया है। और आप यहां देखिए बाइसिकल की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर और ट्रक की स्पीड भी 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखिए कि मैंने ये बाइसिकल और ट्रक आदमी से भी बिल्कुल कम स्पीड पर चलवाए हैं, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये तो चल नहीं रहे हैं बल्कि रेंग रहे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप देखिएगा इतनी कम स्पीड से दोनों चीजें चल रही हैं, बावजूद उसके ट्रक को रोक पाना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा, जबकि ये बाइसिकल जो है ये आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से रोक सकते हैं। अगर आप इस बाइसिकल के रास्ते में खड़े भी हो जाएंगे तो बाइसिकल तो आपसे टकरा करके खुद रुक जाएगी और आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इस ट्रक के रास्ते में खड़े हो गए ये सोच के कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो जितनी मोशन बाइसिकल में रही
होगी उतनी ही मोशन ट्रक में भी होगी। और आप ये सोच करके इस ट्रक के आगे खड़े हो गए तो आप समझ सकते हैं कि ट्रक के आगे खड़े होने का अंजाम होगा क्या, आपको बहुत ज्यादा चोट आ सकती है, आपकी डेथ तक हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर दो चीजों की वेलोसिटी या स्पीड बराबर भी हो तब भी आप ये देखिए दोनों की मोशन सेम होगी ये जरूरी नहीं है। जो चीज ज्यादा भारी होगी, ज्यादा मैसिव होगी, उसके अंदर हम बोलेंगे कि मोशन कैसी है, ज्यादा है। क्योंकि बाइसिकल को रोकना इसी वेलोसिटी के साथ जब बाइसिकल चल रही है तो बाइसिकल को रोकना आसान है, जबकि इसी वेलोसिटी के साथ चल रहे ट्रक को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप उसको रोक नहीं सकते, आपसे वो नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाइसिकल अगर आराम से रुक गई तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कम था, और अगर ट्रक आपका आराम से नहीं रुक पाया तो इसका मतलब है कि बाइसिकल के मुकाबले उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कैसा था, ज्यादा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेम स्पीड होने के बावजूद जिसका मास ज्यादा है उसके पास मोशन क्या मिली, ज्यादा मिली। और कैसे पता चला हमें कि ट्रक के पास मोशन ज्यादा है, क्योंकि उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। तो नेचुरली जिस चीज को रोक पाना बड़ा मुश्किल है या जिसको रोकने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तो नेचुरली उसके पास मोशन कैसी रही होगी, ज्यादा ही रही होगी ना। तो पी बाइसिकल का मतलब है बाइसिकल का मोमेंटम और पी ट्रक का मतलब है ट्रक का मोमेंटम। मैं यहां पर एसआई यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करता तो मुझे इस स्पीड को कहां कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो मैं तो सिंपली आपकी समझ के लिए क्या करता हूं, मास इंटू वेलोसिटी को सिंपली मल्टीप्लाई करके आपके सामने एक वैल्यू रख देता हूं। तो साइकिल का मास है 50 और साइकिल की वेलोसिटी है 1, तो साइकिल का मोमेंटम कितना आ गया, 50। और ट्रक का मास है 5000 और ट्रक की वेलोसिटी है 1, तो ट्रक का मोमेंटम कितना आ गया, 5000। और आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, बाइसिकल का मोमेंटम कम है। तो नेचुरली क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है इसका मतलब है कि ट्रक के अंदर बाइसिकल के मुकाबले अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसी होगी, ज्यादा होगी। और इसीलिए सेम स्पीड पर दौड़ने के बावजूद क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, इसके अंदर मोशन ज्यादा है, इसीलिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अकेली वेलोसिटी जो है या अकेली स्पीड जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। क्यों? दोनों चीजों की वेलोसिटी सेम होने के बावजूद इसको रोक पाना आसान था जबकि ट्रक को रोक पाना मुश्किल था। तो नेचुरली ट्रक के पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा रही होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास बाइसिकल के मुकाबले ज्यादा था। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का वो ही डिसाइड करता है, यानी कि मोमेंटम ही डिसाइड करता है कि किसी चीज के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है। तो आइए एक एग्जांपल और लेकर के हम थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। यहां आप देखिए मेरे पास सपोज कीजिए दो बुलेट्स हैं। बुलेट का मतलब गन में या फिर पिस्टल में डाली जाने वाली गोलियां। मैं क्या करता हूं, एक बुलेट को तो हम गन से फायर करते हैं और दूसरी बुलेट को हम सिंपली हाथ से फेंक देते हैं। आप समझ रहे हैं, दोनों का मास बराबर है। आप जानते हैं कि एक ही पिस्टल या एक ही गन में जो हम गोलियां डालते हैं, बुलेट डालते हैं, उन सब का मास क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों जो बुलेट हैं वो मान लीजिए कि एक ही गन या एक ही पिस्टल की हैं, तो मास तो दोनों का बराबर होगा। लेकिन आप ये देखिए, इसको मैंने गन से फायर किया है और इसको मैंने सिर्फ हाथ से फेंका है,
तो आपसे कोई पूछे कि किस बुलेट के रास्ते में आप हाथ अड़ाना पसंद करेंगे, तो नेचुरली आप कहेंगे कि इस बुलेट के रास्ते में तो हम फिर भी हाथ अड़ा करके उसको रोक सकते हैं, लेकिन यहां पर हम वो चीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भले ही दोनों का मास सेम है, लेकिन इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि इसको गन से क्या किया गया है, फायर किया गया है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, ट्रक और बाइसिकल दोनों की वेलोसिटी या स्पीड सेम ले ली थी, मास अलग अलग ले लिए थे। यहां पर मैंने क्या किया है, मास दोनों का सेम ले लिया है और जो वेलोसिटी है वो क्या ले ली है, अलग अलग ले ली है। तो नेचुरली अगर आप पिछले एग्जाम्पल की तरह ये देखें कि किसका मास ज्यादा है, तो यहां पर तो वो चीज है नहीं, दोनों का मास जो है वो कैसा है, बराबर है। तो यहां पर आपकी किस बुलेट के अंदर मोशन ज्यादा होगी, इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहेगा, इसका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तो अकेला मास और ना ही अकेली वेलोसिटी अमाउंट ऑफ मोशन के बारे में कुछ बता सकती है, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा ताकि आपको यह पता चल सके कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितना है। तो नेचुरली दोनों का मास क्योंकि सेम है, तो आप ये देखिए जो बुलेट आपने गन से फायर की है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसके लिए मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी कि मोमेंटम ज्यादा होगा। और क्योंकि आपने तो इसको सिर्फ हाथ से फेंका है, तो हाथ से तो आप उतनी ज्यादा स्पीड अटेन नहीं करवा सकते बुलेट को, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट कम होगा, यानी कि इसका मोमेंटम कम होगा। तो इसका मोमेंटम क्योंकि हाई है, इसका मतलब यहां पर मोशन ज्यादा है, और इसके पास क्योंकि लो मोमेंटम है, इसका मतलब है कि यहां पर मोशन इसके पास कैसी है, कम है। तो आपको बड़े आराम से यह चीज क्लियर अब हो गई होगी कि अगर आप किसी चीज के अंदर मोशन निकालना चाहते हैं कि कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, तो ना अकेला मास और ना अकेली वेलोसिटी, बल्कि मास वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ही आपको ये डिसाइड करके देगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितनी है। और इसीलिए हम मोमेंटम को एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या जिनको हम सिंपली बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन ने मोशन के लिए तीन नियम दिए थे, वो तीनों नियम, तीन लॉज हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tries to remain at rest and an object in motion along a straight line tries to continue its motion unless an external force acts on them। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, मैं मोशन में ना आऊं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और सपोज कीजिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, तो वो क्या कोशिश करता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहूं, रुकूं ना। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स पर ना लगा दें। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स लगा करके उसको ना चलवाया जाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक के बाहर से फोर्स लगा करके उसको ना रोका जाए। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि इस लॉ के अंदर न्यूटन ने यह बताने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट को ही कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, उस स्टेट में चेंज नहीं चाहता। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और मोशन में नहीं आना चाहता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता। लेकिन वो स्टेट कब तक रहती है उस ऑब्जेक्ट की, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। आप बाहर से जब कोई फोर्स लगा देंगे तब आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और इनर्शिया हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहां पर भी हमने यही बात की थी कि भाई
एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में आने का पोज करता है, और अगर एक ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट में आने का अपोज करता है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनर्शिया के जो सिचुएशन है उससे मैच करती है, इसीलिए इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आप समझ के देखिए इनर्शिया की खुशबू आपको आ रही है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद अब हम सीधा न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत ज्यादा है, इसलिए उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अब फर्स्ट लॉ के बाद सीधा चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तो चलिए अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, यानी कि न्यूटन ने जो तीसरा नियम दिया था मोशन का वो क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए एक्शन का मतलब होता है मान लीजिए आप क्या करते हैं, और रिएक्शन का मतलब होता है कि सामने से क्या रिएक्शन आता है। आप एग्जांपल के तौर पर कुछ यूं समझिए इस चीज को, मान लीजिए मैंने किसी आदमी को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, तो नेचुरली ये मेरे द्वारा किया गया क्या है, एक्शन है। एक्शन का मतलब मैंने क्या किया। तो अब आप खुद सोचिए कि मैंने अगर किसी आदमी को थप्पड़ मार दिया तो आज के टाइम में क्या वो दूसरा गाल आगे करके ये कहेगा कि लो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दो। नहीं, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। हालांकि महात्मा गांधी बोल गए थे कि आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आप आगे कर दीजिए कि ले भाई दूसरा थप्पड़ भी मार दे, लेकिन आजकल आपको पता है इन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता। तो जिस बंदे को मैंने थप्पड़ मारा है आप समझ सकते हैं कि वो बंदा मेरे मुंह पर उतना ही जोर का थप्पड़ जब तक ना मार लेगा उसको चैन नहीं मिलेगा। तो मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारा, ये क्या है, एक्शन, और उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये क्या है, रिएक्शन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जहां एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन भी होगा। अगर आप ये देखिए हमारे हिंदुस्तान के फौजी गोली चलाते हैं तो पाकिस्तान के फौजी क्या वहां से चुप बैठे रहते हैं, वो भी गोली चलाते हैं। या फिर अगर पाकिस्तान के फौजी हमारे ऊपर सपोज कीजिए तोप से गोला फेंकते हैं तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे, हमारे भी फौजी क्या करते हैं, तोप से गोला फेंकते हैं। तो ये मतलब होता है एक्शन और रिएक्शन का। एक्शन का मतलब होता है एक बंदा जो काम करता है, और रिएक्शन का मतलब होता है उसके आंसर में दूसरा बंदा क्या काम करता है। तो आप एक चीज देखिए, मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा, ये हो गया एक्शन, और उस बंदे ने मुझे वापस थप्पड़ मारा, ये क्या हो गया, रिएक्शन। तो दोनों एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है। उल्टे का मतलब क्या है, मैंने तो मारा थप्पड़ सेकंड पर्सन को, और सेकंड पर्सन ने क्या थर्ड पर्सन को मारा थप्पड़, नहीं, उसने वापस मुझे मारा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे बंदे को थप्पड़ मारूंगा तो वो दूसरा बंदा मुझे वापस थप्पड़ मारेगा, यानी कि ये है एक्शन और ये है रिएक्शन। तो दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। दूसरा आप ये देखिए, ये कहा गया है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। जितना जोरदार चांटा मैं इस बंदे को मारूंगा इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि उतना ही जोरदार चांटा ये मुझे मारे, कम ना मारे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि हर एक्शन के लिए रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है उस एक्शन के। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। एक बार आप फिर से देखिएगा कि टू एवरी एक्शन, यानी कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए उस एक्शन का बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो तैयार बैठा हुआ होता है।
अब इसको हम थोड़ा सा जो जनरल एग्जांपल्स हैं साइंस के उनसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हैं और आपने अपने पैरों में वो पहिए वाले जूते जिनको रोलर स्केट्स बोलते हैं वो आपने पहने हुए हैं, ठीक है। और ये एक दीवार है, आपने क्या किया, सपोज कीजिए दीवार को धक्का दिया इस साइड, यानी कि फोर्स बाय यू ऑन वॉल, यानी कि आपने दीवार को इस साइड धक्का दिया, तो आपने दीवार पर क्या किया, फोर्स लगाया, आपने एक्शन किया तो दीवार भी क्या करेगी, आप पर फोर्स लगाएगी, यानी कि रिएक्शन करेगी। और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, आप जरा इमेजिन कीजिए कि आप खुद ये जो रोलर स्केट्स हैं ये पहन करके दीवार को धक्का लगा रहे हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आप दीवार को इस तरफ धक्का मारते हैं तो आप खुद पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो आप एक चीज बताओ, आपके ऊपर फोर्स किसने लगा दिया, क्या किसी घोस्ट ने, किसी भूत ने लगाया, नहीं, आपने फोर्स लगाया दीवार पर और आप पर वापस दीवार ने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। और आप ऐसा इमेजिन बड़े आराम से कर सकते हैं कि अगर आपके पैरों में वो पहिए वाले जूते हों तो अगर आप दीवार को इस डायरेक्शन में फोर्स मारने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद पीछे की तरफ धकेले जाएंगे, यानी कि आपने फोर्स लगाया दीवार पर तो दीवार ने उल्टा फोर्स लगा दिया किस पर, आप पर, यानी कि आपके द्वारा किया गया एक्शन कौन था, जो आपने दीवार पर फोर्स लगाया, और दीवार ने जो आप पर फोर्स लगाया वो क्या है, दीवार का रिएक्शन है। और ये आप जानते हैं, आप अगर दीवार को आराम से फोर्स लगाएंगे तो आप भी पीछे की तरफ आराम से धकेले जाएंगे, लेकिन अगर आप दीवार को काफी तेज फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो आप पर भी पीछे की तरफ धक्का कैसा लगेगा, बड़ा तेज लगेगा, यानी कि आपके एक्शन के लिए दीवार का बिल्कुल इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तैयार था। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि आपको सच में पीछे की तरफ धक्का लगेगा अगर आप दीवार को आगे की तरफ धक्का लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो फोर्स लगाया दीवार पर वो एक्शन है, और दीवार ने जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स लगाया वो क्या है, रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली आप ये देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, आपने स्विमर्स को पानी में तैरते देखा होगा, और होता क्या है, वो अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो पानी क्या करता है, उनकी बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, यह आदमी तैरता तैरता अपने हाथ से क्या करेगा, पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा, यानी कि थ्रो वाटर बैकवर्ड्स। और इस चक्कर में क्योंकि ये पानी पर एक्शन कर रहा है इधर, तो पानी इस पर रिएक्शन करेगा इधर, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर लगाएगा किसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर। सो वाटर थ्रोज यू, यू का मतलब ये स्विमर, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि स्विमर अगर पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा तो पानी इस स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा। और ये जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी आगे जाएगा, और जितना स्लो पानी को पीछे धकेलेगा उतना ही स्लो आगे जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि तैरते वक्त भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड है।